सतगुर वालू पाया चिट्ठियां प्रेम कुल समूह उदारिनम हम सर दीन दयाल ना तुम सब अब पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जान क्यों पूर्ण दीजे हम बल बल जावर भैया कारनी कारनी कौने अबो बहुत जन्म बिछड़ी थी माधु जन्म तुम्हारे लिखे कहे रविदास आस लग जियो फिर प्यो दर्शन देखे ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे गरीब निवाज सैया मेरा माथे सतर तरे जाकी सूत जगत क्यों लागे ता पर तू ही डरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे नामदेव कबीर त्रिलोचन सगना सैन तरे कहे रविदास सुनो रे संतु हर जी उठे सबे सरे एन माने दिमान गुरु बेओटे अनियोट गुरु बे आसरे अनि आसरे गुरु तन तन सतगुरु विदास पिता जीओ आप दे दर कर दी संगत बटोत वल्लों जो आप दे जन्मदिना नु समर्पित सुवा जातरा उस दी शुभ आरंभता कीती जा रही है कृपा करना बख्शिश करना निर्विघन अपना एक कार्य सफल करना सेवादारा ते मेहर प्रयास रखना जिन्हिया भी सेवावं आईया ने सारिया सेवावं सारे सेवादारा और सारी संगत की सेवा प्रवान करना सो हर सो हीरा साढ़ के करे आने के देखो सारे किन्ने
संग ते वे गोंद चले आई है मत्थे अते गुरु जी दी पालकी सजाई है नाल नाल संग ते वी गोंद चले आई है इक दूजे नाल गले लग मिल दे वे को भेद भाव वेर मना विचो काट के गुरु रविदास जी दी शोभा जथरा देखो सारे किन्ने चावा नाल काटी दे गुरु रविदास जी दी शोभा यात्रा देखो सारे किन्ने चावा नाल काटी दे सारे किन्ने चावा नाले काट दे।
सूरज सितारे जी,
बदल गई। तो सतगुरु रविदास महाराज जी की ये अपार बख्शिश है। और उसके बाद आज मौसम फिर से सुहावना हो गया है। यही सतगुरु रविदास महाराज जी की जो पवित्र वाणी है उसके साथ जुड़कर जो हमें शक्ति मिलती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस आस्था का ही परिणाम है। तो यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, बहुत सारे प्रांतों में से इस 3 दिन के साधना शिविर में एकत्रित हुए हैं। तो डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट पठानकोट की ओर से हम सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वर्षा के कारण हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल रात को संगत को आई हो, तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और साथ ही ये भी हम सभी ने ध्यान रखना है, जगह को देखते हुए, संगत को देखते हुए, जो थोड़ी सी जगह की कमी है, इमारत की कमी है, उसको हम सभी ने पूरा करना है। आज हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि अगले साल के साधना शिविर से पहले हमने इस बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनानी है कम से कम। सबने सुन लिया क्या कहा? हाँ, क्योंकि हम सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्थल है, बहुत ही शांतमय वातावरण, और कश्मीर जिसको स्वर्ग की धरती कहा जाता है, तो इसके बीच में जब हम सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा को गाएंगे तो वाकई ये पूरा जो वातावरण है सुगंधित हो जाएगा और सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो हमें इसी उम्मीद के साथ हम सभी अपना सहयोग श्री गुरु रविदास सभा बटोत को जरूर देंगे। और आपको पता है कि डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट अनेक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न है, बहुत सारे काम वो करता है। यहाँ हजूर महाराज जी धार्मिक वाणी के साथ जोड़ते हैं, नशों से मुक्त करवाते हैं लोगों को, अनेक अन्य कार्यों के साथ बच्चों को सुसंस्कृत करते हैं, और महाराज जी की वाणी के साथ जुड़कर अनेक विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी के साथ साथ वे कॉलेज हैं, अनेक संस्थाएं हैं, और उसी की देखरेख में ये बटोत की धरती में यहाँ पूरा सत्संग हाल और कार्यक्रम किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल बिल्कुल भी किसी भी श्रद्धालु को मुश्किल नहीं आएगी यहाँ ठहरने के लिए या खाने के लिए या किसी भी प्रकार से। हमें पता चल गया कि श्रद्धालु यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं। यहाँ हमारे बीच में श्रद्धालु पहुँचे हैं, इसके साथ साथ हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल सिंह जी एक्स डिप्टी CM वो भी पधारे हैं। हो सकता है और भी नेतागण यहाँ पहुँचे हों, और भी जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ पहुँचे हैं। हमारे ट्रस्ट के बहुत सारे मेंबर यहाँ विराजमान हैं। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इन सब के सहयोग के कारण ये बटोत की धरती, श्री गुरु रविदास मंदिर और साधना शिविर, ये सारा कुछ बहुत ही अच्छा एक पर्यटक स्थल के रूप में नजर आएगा, ऐसा हमें पूर्ण आशा है। तो अभी आपके समक्ष छोटी सी बच्ची दृष्टि, जो गुरु घर के साथ जुड़ी हुई है, और वैसे तो वो बजाकर गाती है शब्द, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बिना बजाकर ही उसको गाना पड़ेगा। तो एक शब्द उसके मुखारविंद से सुनते हैं। दृष्टि जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, वदाइयां जी, वदाइयां जी, वदाइयां जी, वदाइयां जी,
ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਮਾਂ ਕਲ ਸਾਦੀ ਗੋਦੀ ਮਾਂ ਕਲ ਸਾਦੀ ਗੋਦੀ ਚੰਨ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਕਰ ਕਰ ਵਜਣ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਕਰ ਕਰ ਵਜਣ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰਚਾ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰਚਾ ਦੂਨ ਸਵਾਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਮਾਂ ਕਲ ਸਾਦੀ ਗੋਦੀ ਮਾਂ ਕਲ ਸਾਦੀ ਗੋਦੀ ਚੰਨ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਚੁੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਿਰ ਯੋਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁੰਮ ਸੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਚੁੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਿਰ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁੰਮ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰਾਦਾ ਜੀ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰਾਨਾ ਸੀ ਜੀ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਨੇਰੀਆ ਕਰੀਪ ਜਗਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਲੰਧਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਜਬ ਬੱਚੋਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਤ ਕਾ ਸੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸੀ ਸ਼ਿੰਖਲਾ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੋ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਹਮ ਇਨਕੋ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਾਥੀ ਜੰਮੂ ਸੇ ਵਿਜੇਪੁਰ ਸੇ ਔਰ ਅਖਨੂਰ ਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨੋਂ ਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਆਸਥਾ ਉਨਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਜੁਗਿਆਲ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਨਕੀ ਬੱਚੀ ਚਲਨੇ ਫਿਰਨੇ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਨਕੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਕਰ ਹਮ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਰਿੰਡ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਚੰਦਨ ਹੈ
चंदन के साथ अरिंड मिलकर खुशबूदार हो जाता है। इसी तरह हम गुरु रविदास महाराज जी के चरणों के साथ जुड़कर हजूर महाराज जी के आशीर्वाद से हम भी चंदन बन सकते हैं। तो जितने भी स्थानों से हमारे बीच में श्रद्धालु आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री ठाकुर दास जी जो हमारे ट्रस्टी मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे सेवादार हैं। वे 2100 रुपया श्री गुरु रविदास सभा बटोत को दे रहे हैं ताकि वो अपनी सेवाओं में डाल दें। इसी तरह बहुत सारे श्रद्धालु अपनी सेवा के साथ यहाँ की सभा को सुदृढ़ कर रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं। उनकी सेवा को देखते हुए, उनको प्रसन्न होते हुए यहाँ सेवा दे रहे हैं, उन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बुलाने आप श्री भारत भूषण जी जो डीडीसी के चेयरमैन हैं, माननीय श्री भारत भूषण जी जो जम्मू से हैं, उनका भी हम यहाँ बटोत प्रांगण में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अभी मैं माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो एक्स डिप्टी सीएम है, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि हजूर महाराज जी से आशीर्वाद लें और बटोत के जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, इनको भी अपना आशीर्वाद दें। श्री मिस्टर निर्मल सिंह जी एक्स डिप्टी सीएम J&K, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हजूर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ऐसे समय में आए जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति दोनों के साथ पूरे समाज में समानता, एकता, भाईचारे का संदेश दिया और उनके शब्दों के माध्यम से हम पूरे भारत को बेगम बना सकते हैं। उनकी वाणी के साथ जोड़कर हम हर तरह से सुखी समृद्ध हो सकते हैं। तो आइए हजूर महाराज जी के मुखारविंद से, परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के मुखारविंद से, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के द्वारा अमृत वर्षा सुनिए। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। बेनती है कि जो भी संगतां बाहर खड़िया हैं, जहां सेवादार, बेनती है कि जिथे जिथे भी जगह मिलती है बैठन की कृपालता करो। जो भी सेवादार संगत बाहर खड़ी है, जिथे भी जगह मिलती है कृपा करके बैठन की कृपालता करो। सुन फरियाद पीरां दे आ पीरा, आख सुनामा केनु मैनू
मैं बिचैर गुनाह न होंदे तू बख्शे दो केनू परम सत्कार योग परम पूजनीय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जीओ स्टेज उपर विराजमान परम सत्कार योग परम पूजनीय कामिल मुर्शिद श्री श्री 108 स्वामी गुरदेव गिरी जी महाराज अते गुरु चरणा विच बैठी समूह साध संगत जीओ आप सब नू जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। राग आसा बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तुम चंदन हम अरिंड बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच सुगंध निवासा तुम चंदन हम अरिंड बापुरे संग तुम्हारे नीचे रुखते ऊंच पै गंद सुगंध निवासा। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अते पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सा संगत जीओ सारियां ही संगतां नूं दस पल्लों जय गुरुदेव। हर साल दी तरह बटोत दियां संगतां वल्लों जो सलाना सत्संग सम्मेलन है उह रखवाया गया। इह विशेष एक ऐसा स्थान है जिथे काफी संगतां दा प्यार है क्योंकि ये तकरीबन हर साल प्रोग्राम जून महीने च ही हुंदा है। जदों बहुत ज़्यादा गर्मी हुंदी है ते इत्थे कल ही असी हस रहे सी कि पंजाब च बहुत ज़्यादा गर्मी जम्मू च भी ते इत्थे मुश्किल हो गया रात नूं
बहुत सारिया संगत ठुर ठुरा रही सन, पता नहीं सी कि इतनी सर्दी हो जाएगी। सुबह सुबह पंडित अशोक जी कह रहे सी हरिद्वार गए उससे गर्मी ने मत मारती, बट होता इतने सर्दी ने मत मारती। वाक्य सोच नहीं सी कि इतनी सर्दी शुरू हो जाएगी, इतनी ठंड हो जाएगी। जल्दी नाल ही इंद्र देवता ने सारा कुछ चेंज कर देता। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, काफी दूर दूर तो संगत इस सत्संग सम्मेलन दे विच शामिल हुई, जलंधर तक, हिमाचल चो कुछ जीव मैनू मिले। हर एक की कसस रही है कि असी भी उस सत्संग सम्मेलन च पहुंचीए। जिस तरह एक स्पेशली ध्यान साधना का भी कैंप लाया जाता है, बिस कल ज़्यादा टाइम सवालों जवाबों से चला गया, पर फिर भी असी वो ध्यान साधना के कैंप नूं भी इन्होंने आयोजन किया। ये तीन दिन का लगातार दा प्रोग्राम मैनू बड़ी खुशी हुई कि थोड़े जे सेवादार ने पर इतनी संगत और वर्खा दे विच सारियां लई प्रबंध करना ये थोड़ा मुश्किल सी, कठिन सी, पर जितनी उन्हां कोलों हिम्मत हुई विचारिया ने कीती कि कोई भी बिना सौन तो ना रह जाए, खान तो ना रह जाए। हर एक नूं किते उन्होंने किसी ना किसी जगह पर पहुँचाया, कुछ जिन्हें गुरु घर विच जी रह सकते सन इत्थे रहते। जिहड़ी सत्संग सम्मेलन क्यों जरूरी ने, गुरु जी ने अपने शब्द दे विच सत्संग की महानता कही। गुरु जी कहिंदे ने तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा। रिंड ते चंदन दोनों ही बरिक्स ने, दरख्त ने, लेकिन इन्हां दी कीमत दे विच जमीन ते आसमान का फर्क है। जो चंदन है वो बहुत कीमती हुंदा है क्योंकि उहदे विच सुगंध हुंदी है। चंदन कदे बाजार च खरीदन लई जाइए ते ग्रामां दे हिसाब दे नाल मिलदा है। चंदन दा बहुत सारा सम्मान बनदा, चंदन दियां अगरबत्तियां, चंदन दा साबन, चंदन दे पहलां चूड़े भी बनदे सन, सिंगार बक्श बनदे सन, और चंदन पूजा समग्री च भी हिंदू संस्कृति दी पूजा समग्री च विशेष स्थान रखदा है। और चंदन कई देसी दवाइयां च भी इस्तेमाल हुंदा है, इसी करके चंदन की बहुत ज्यादा कीमत है। गुरु जी कहिंदे ने प्रभु तुसी ओ चंदन की तरह सो, हम रिंड वापरे असी रिंड की तरह सो, जिन्ह की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं, पर कुदरती संग तुम्हारे वासा। एक बख्शिश हो गई प्रभु, साडा वास आप दे कोल आ गया। जदों आप दे कोल वास आया ते तुहाडी सुगंध ने सानू भी सुगंधित कर दिता, साडे विच भी आप वाली खुशबू पर गई, असी भी चंदन बन गए, असी भी कीमती हो गए, असी भी कोई कदरदान हो गए। गुरु जी कहिंदे ने कदों जदों तुहाडी संगत कीती। एक गुरु जी ने प्रभु नूं कहा, परदास गुरु जी नूं कहिंदा ऐ सतगुरु जी तुम चंदन हम रिंड वापरे, तुसी चंदन वांग सो असी रिंड वांग सा।
जिस समाज की कोई कदर नहीं सी, कीमत नहीं सी, पर संग तुम्हारे वासा, पर जदों तू तुहाडे चरना चाहे असी भी चंदन बन गए, साडे च भी सुगंध भर गई, साडी भी कोई कीमत ते कदर बन गई है। ये दास ने प्रैक्टिकल देखे, जिस तरह अज का सत्संग सम्मेलन बटोत दे विच है, इसी तरह कल का सत्संग सम्मेलन रजौरी डिस्ट्रिक्ट दे हनजाने पिंड च है। उत्थों दी दास गल करदा, जदों पहली बारी मैनू उत्थे जाण दा समां मिलिया, उत्थों दे दर्जी है, टेलरां दा काम करदे है, उन्हां दा नां सनकार जी है, बहुत वड्डे सेवादार ने, है शरीफ जे, पर दिलों गुरु दे, गुरु घर दे सिपाही हन। उन्होंने कहा कि साडे घरां विच चलना, अज तो 25-30 साल पहले जदों मैं उन्होंने घरां गया, उन्होंने पिंड च गया, तो सारा पिंड कच्चे घर सन, गलियां दे विच गंदगी खिलरी हुई सी, और सारे ने मैले कचैले कपड़े पहने हुए सन। नहाउना बहुत दूर की गल सी, किसी ने मूंह भी नहीं सी तोता होया, फेस भी किसी का साफ नहीं सी। सत्संग पंडाल विच पहुंचे, उत्थे 150 लोग इकट्ठा सन, पर किसी का भी ध्यान सत्संग वाले पासे नहीं सी, आपस विच ही मूंह करके पैरां दे पार बैठे हुए सन। मेरे मन च सोच आई, इन्हां नूं मैं सत्संग की सुनावां। सनकार जी कहन लगे, जिस भी हालत च ने ठीक है, तुसीं सत्संग शुरू करो। मैं सत्संग शुरू कर दिता, सत्संग हो गया। बाद दे विच पाठी जन आंदे रहे, कदी मैनूं भी समां मिले मैं भी आ जांदा हां। टाइम बीतदा गया, अज दी ओ हालत है उस इलाके दी, बेसको मजदूरी लोग ने, पर चेंज इतनी आ गई जो सोचा ही नहीं जा सकता। अज तो 4-5 साल पहला दी गल है, सैन उत्थे शोभा यात्रा सी, हर साल हुंदी है, उत्थों दे डीसी, उत्थों दे एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सारे दे सारे लोग आए सन। शोभा यात्रा तो बाद सत्संग हुंदा, सत्संग च सारी ओ टीम बैठी रही, डीसी तो लैके थलड़े मुलाजम तक, एसएसपी लै तो लैके सिपाही तक। मैनू बड़ा अच्छा लगा जदों 1.5 घंटा 2 घंटे लगातार पंडाल च बैठे रहे। मैं लास्ट उन्हां नूं पुछिया कि बहुत तुसी टाइम दिता, वो बोले कि बाबा जी के ये नगर दे लोक कहिंदे सन कि शोभा यात्रा देखनी है ते गुरु रविदास जी दी सभा दी देख, बहुत विशाल हुंदी है और बहुत सरदा हुंदा है, प्यार हुंदा है, लाइना च बैठ कर चलदे ने, बहुत ही डिसिप्लिन दे नाल शोभा यात्रा नसहरे दी हुंदी है। मैं सोचा कि इतनी वड्डी विशाल शोभा यात्रा नहीं हो सकती ते ना ही इतना डिसिप्लिन हो सकता है, हो सकता है खाने वास्ते लोग इकट्ठे हुंदे हो, पर मैं इत्थे आके देखिया इत्थे खाना भी नहीं सी। उस शोभा यात्रा वाले दिन किसी नूं कोई खाना नहीं दिंदे, कोई कवे ना कि खाने वास्ते लोग कतर हुंदे, कोई लंगर नहीं लगाया जांदा, कुछ नहीं।
थोड़ा थोड़ा प्रसाद गुरु प्रसाद दिता जाता है बस। कई हजारां दी तदाद च संगत मैं भी वेख के हैरान सा, और पांच सत सेवादार पीछे खलोते उन्होंने सारिया लाइना च बिठाया हुंदा है। इस तरह जिस तरह किसी मिस्त्री ने सूत्र चिट्टा ला दित्तियां होन और उदे नाल ही सारिया दे वधिया कपड़े अज सारे नाते धोते हुंदे ने ओ, और घर पक्के हो गए। अज किसी दे पासों शराब की बदबू नहीं आती। अज ऐसा बदलाव ना चाहिए कि मैं कह रहा सी कि सतगुरु जी पहली बारी जदों आया अद्धिया ने शराब पीती हुई सी, अद्धिया में ज्यादा उन्हां दी तन गंदे मन गंदे, अज की हो गया बस ऐ हुई तुम चंदन हम रिंड वापरे। सतगुरु जी वाकया तुसी उन्हां नूं चंदन बना दिता, एक नी दो नी लखां लोकां नूं चंदन बना दिता। जो साडे विच्चों बराइयां दी बदबू आंदी सी खत्म हो गई, अज अज साडे च चंगे गुण आ गए, अज साडे च नाम दी सुगंधी आ गई, प्यार दी खुशबू भर गई। इस सतगुरु की कृपा दे नाल मेरी बेनती रहेगी, जेडे अजे तक चंदन नहीं बने चंदन बन जाना। असी गुरु जी दे चरणा नाल जुड़ के उन्हां दी संगत करके चंदन बनना। ते जेकर चंदन तुसी बन गए हो, जेडे नहीं अजे तक चंदन बने उन्हां नूं चंदन बनाना। गुरु प्यारी सतसंगत जी, जेड़ा भी गुरु चरणा नाल आया गुरु जी ने कृपा की उन्हूं चंदन बना दिता। कई बारी साडे मना दे विच आउंदा है जिस तरह सौ लोग इत्थे आया, हो सकता है उहदे विचों पंज सत जाने चंदन ना भी बन, उबराइयां अपनियां ना छड्डन। तो मन चाहता है कि गुरु जी कहिंदे ने कि जेड़ा चंदन दी संगत करे चंदन बन जांदा है। जिस तरह सतगुर कबीर जी ने कहा, कबीर चंदन का बेहरा पला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जेड़ा भी चंदन दे कोल गया चंदन ने उन्हूं चंदन बना दिता। कई चंदन नहीं बने, मन दे विच सोच आउंदी है कि गुरु जी कहिंदे ने जेड़ा चंदन दी संगत करे चंदन बन जांदा है, उह ते चंदन बनिया ही नहीं, उहदे चो गुस्सा खत्म होया ही नहीं, उन नशिआं नूं छड्डिआ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चंदन दी संगत करके चंदन नहीं बन सकता। जो सवाल साडे मन दे विच उठिआ 500 साल पहला भी इह सवाल एक सेवादार दे मन च जागे। जदों गुरु जी ने कहा जेड़ा भी चंदन दी संगत करे वह चंदन बन जांदा है, एक सेवादार रोजाना ही सत्संग च आया करदा सी, पर उस विचारे चो बुराइयां खत्म नहीं हुईयां। जदों उसने ये गल सुनी कि गुरु जी कहिंदे है जेड़ा चंदन दी संगत करे चंदन बन जांदा है, तो उहदे मन च सोच आई मैं फिर चंदन क्यों नहीं हो गए। नहीं, गुरु जी नूं गलत फहमी है, कोई भी चंदन दी संगत करके चंदन नहीं बनता, बल्कि चंदन ही चंदन हुंदा है, रिंड विचारा रिंडी रह जांदा। सत्संग समावत तो बाद उन गुरु चरणा च ये बेनती कर दी, पासा ये सच है कि जेड़ा भी चंदन दी संगत करे
चंदन बन जाता है। तो गुरु जी ने कहा हां बिल्कुल सच है, जिहड़ा भी चंदन की संगत करेगा वह चंदन बन जाएगा। वह जी कह नहीं लगा सी कि फिर मैं चंदन क्यों नहीं बन गया, पर गुरु जी पहला ही बोल पे जिहड़ा भी चंदन की संगत करे चंदन बन जाता है, पर वो किते बांस ना होवे। की ना होवे? बांस ना होवे। सेवादार बड़ा हैरान हो गया, हैं? फिर मैं भी किते बांस ना होवां? महाराज बांस च की कमी है? बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरु जी कहिंदे एक नहीं दो नहीं, बांस च बहुत सारियां कमियां ने। पहली कमी है बांस दे विच गंडा हुंदियां ने। दूजी कमी है बांस बाहरों कुजिया ते अंदरों कुजिया। इसी तरह का जोड़ा इंसान होगा जिहड़ा बांस वांग होगा, जिहड़ा मन नूं गंडा दे के सत्संग चावेगा, उहदे ते सत्संग दा रंग नहीं चढ़दा, मन दी गंढ खुलनी पवेगी। कई सत्संग च जांदे ने अवगुण नहीं छड्डदे, कई बारी कई गुरमुख उन्हां नूं कहिंदे ने तुसी गुरु का चरणा नाल जुड़े हो, तुहाडे चों गुस्सा ते खत्म नहीं होया, सत्संग च जांदे हो तुसी शराब नहीं छड्डी, तुसी फलाना अवगुण नहीं छड्डिया, तो उन्हां दा जवाब पता की हुंदा? लै गुरु ने ते कहना ही हुंदा दुनिया ते सारे काम करने पैंदे ने, कोई दुनिया ते होना जी ना बंद कर देन। ऐसे लोकां दी ओही कहानी है, सरपंच दा कहना सिर मत्थे ते कहना, पर परनाला उत्ते दा उत्थे ही रहना। ऐसे लोग कदे चंदन नहीं बन सकते, मन दी गंढ खोल लैनी। असी सारे सत्संगां चांदे जो सत्संग च कहा जांदा है उन्हूं जरूर अपने जीवन च अपना, मन दी गंढ जरूर खोल लैना। जे सत्संग चाहे मन दी गंढ ना खोली तो सत्संग दा रंग साडे ते नहीं चढ़ेगा। एक दिन मैनूं बड़ी हैरानगी हुई, कोई जीव ने सत्संग चांदे जांदे ने, वो बैठे हुए सन किसी नाल, बेशक वो लड़का मजाक नाल कर रहा सी गल, दूजा दूसरे नाल, तो उदे कोई फादर दी गल चल पई, तो उसने फादर लई इहो जी शब्दावली वरती कि मैनू सुन के भी चंगी नहीं लगी, उन्हूं नहीं पता लगा। वैसे मैं सुन ली शब्दावली जो उन्हें अपने पिता लई वरती, ते जिहड़े उत्थे बैठे हुए सन उहदे साथी साथना चंगी उन्हां नूं भी नहीं लगी। अपने फादर वास्ते ऐसी शब्दावली, चलो मैं सोची जावा कि क्यों होया इतना सत्संग च भी आंदे है। मैं क्या ओहो ये भी मन की गांडी बन्नी रखे, जो कहा जाता उस तरह कीता नहीं। बेशक असी जितना मर्जी सत्संग चाहिए, जितनी देर तक मन की गांड ना खोलांगे गल नहीं बनती। इस करके जो सत्संग च कहा जाता उन्नू मनना है। गुरु जी की बाणी च आया है ना, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। ऐ सतगुरु जी पहली ते कृपा करनी सानू संतां दी संगत देना, जिथे असी बैठे हुए
संगत करना भी वधिया, थोड़ा बहुत असर हो ही जांदा है, ना कुछ करिए पर थोड़ा बहुत असर हुंदा है। जिस तरह पत्थर भिजदा नहीं है पर पानी च सुट दो गिला हो ही जांदा, इस करके सत्संग च आना चाहिए। कुछ भी ना करे कोई, फुलां दी फुलवाड़ी च चला जाए, कोई फुल ना खरीदे खुशबू ले जांदा। अज भी कई मुसलमान देशां दे विच जिधर उधर साडे मुसलमान भाईचारा रहिंदा, अतर वेचण वाले रहिंदे ने, आउंदे ने, ते ओह घरां च कई बुला लैंदे 10 अतर, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਐ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਘਰ ਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਤਰ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਤਨੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤਗਿਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਭੌਂਦੂ, ਤੀਜੇ ਸੌਂਦੂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਚੁੰਗੂ। ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੂ ਨੇ, ਕਈ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਭੌਂਦੂ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਂਦੂ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਗੂ ਨੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੂ ਜੈਲਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੱਲੋ ਮਹਿਤਾ ਬਣਿਆ। ਰੋਂਦੂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਠੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਠੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਾਮੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਰੋਂਦੂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਪੌਂਦੂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਨਾ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੌਂਦੂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਇਆ ਟੋਲਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੁੰਗੂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਉਹ ਚੁੰਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਨੇ
और उदे बाद अपनी सोच नू दस देने कि मैं अजे भी समझ नहीं पाया। तो चोंगू बनना असी गुरु प्यारी सतसंगत जी ना ते रोंदू बनना जैलसी भावना किसी दी नहीं करनी ना पौंदू ते ना सौंदू चोंगू बनना जो एक एक गल है सत्संग च कही जांदी वो मन च बठा लेनी है। असी चंदन बनना ते बाकियां नू भी चंदन बनाना। गुरु घर च आए हाँ सत्संग च जुड़े हाँ साडिया परिवार चंदन दियां फलवाड़ियां बन जानियां चाहीदियां। साडे परिवारां विचों प्यार दी सुगंध आनी चाहीदी है कदे भी नफरत दी क्रोध दी दुर्गंध नहीं आनी चाहीदी। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन मधो सत संगत शरण तुम्हारी हम आगन तुम उपकार सत्संगत शरण तुम्हारी हम आगन तुम उपकार जी कहिंदे ने ऐ सतगुरु जी तुहाडी जो संगत है वो की करदी है हम औगन तुम पारी उपकार। तुहाडी संगत च आन करके साडे औगन खत्म हो जांदे और असी पारी उपकारी हो जांदे हैं। ये गुरु संगत दा असर हो जांदा है कि जो साडे अंदर विकार ने अवगुण ने आस्ता आस्ता खत्म हो जाते हैं। तो असी हमेशा महापुरुषों की संगत च जुड़े रहना है। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं तुम मख तुल सुपैद सपियल हम बपुरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो मदप मखीरा तुम मख तुल सुपैद सपियल जस कीरा सत संगत मिल रही है मानो मदप मखीरा।
ब्रह्म मखतूल मखतूल कहिंदे ने मखमली सफेद सपील बहुत वधिया सतगुरु जी कहिंदे ने ऐ प्रभु तुसी बड़े कीमती रंग बिरंगे और बहुत ही वधिया क्वालिटी दे एक गलीचे वांग सो एक दुसाले वांग सो तो हम बपरे जस कीरा ते असी एक कीड़े वांग सा जिस तरह वो कीड़े नो ए नहीं पता कि ये दुसाले दी कीमत की है ये कपड़े दी कीमत की है एक साल दी कीमत की है वो बस उन्नू टुकना ही जानता है। इसी तरह असी भी मालका तेरे गुना नू नहीं जानिया असी भी कोई ना कोई तर्क जरूर ला दी तर्क जरूर कीती मालक की है किथे है तू रब वेखे है एहो जे साडे सवाल हुंदे ने असी उना दे गुना उस दे गुना नू नहीं समझ पाए। दया सिंह आरफ ने लिखिया अव्वल अकल दे नाल विचार खां तू काया कोठड़ा कौन बनाउन वाला पुंज पांज तत दा कुल पसार के दा केड़ा रू कलबूत विच पौन वाला हाथ पैर मूह नक ते कन दिते सोने दंदा दी जड़त जड़ाउन वाला एक अंग शरीर थी पंग होवे केड़ा जम्मिया उंगली लाउन वाला जिसने सोना साडा शरीर बनाया आखर कोई पावर है बैठी हुई पीस। दो साल ही हो गए बंदा जेड़ा रब नू मनदा नहीं ये आदमी जिसने पता नहीं की कुछ बना दिता ते आखर इन सोच लिया कि चंद्रमा ते रेस्टोरेंट खोलांगे जाके ये मनुख दी सोच बन गई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई ते मामूली छोटा जिहा एक वायरस ऐसा आ गया सारिआं नूं अंदरां च बिठा दिता गड्डियां बंद कारां बंद दरवाजे बंद हवाई जहाज बंद रॉकेट बंद सारा कुछ बंद कर दिता एक पल च एक टाइम ऐसा आ गया कि असी आपस विच भी डर डर के मिलना शुरू होए। उन्हां दिनां दे विच मैनूं याद है सेवादार साडे पठानकोट दे नज़दीक ही पिंड दे बच्चे सन उह विचारे आ गए वैसे तां बहुत सारे लोक रुक गए रजौरी तों काफ़ी संगत जो उधर गई सी पंजाब च वो रुक गई उत्थे ठहर गए वो साडे तक पहुंचिया दो दिन रहा अगो साधन मिलिया घर चला गया जदों घर वालों को सुनेहा भेजिया कि मैं आ गया उन्होंने सुनेहा भेजिया कि स्कूल च 15 दिन रही फिर तेनों घर सद्दांगे कहिंदा भला स्यापा बन गया बड़ी मुश्किल नाल घर पहुंचया ही घर वाले ने घर वड़न ही नहीं दिता कह लगा 15 दिन मैं स्कूल विच कट्टे उहदे बाद च घर मैं गया। ऐसे हालात आ गए ऐसी सोच आ गई वो मालिक पीछे बैठा सारा कुछ करन वाला है वो सारे सिस्टम नू चला रहा है असी उन्नू भुल गए कई तो कहे उन रब ने सानू की दिता है उन दिता भी की नहीं सानू सारा कुछ दे दिता सोना शरीर दे दिता इहदे तो अगे की देना सी बड़े कीमती अंग दिते सानू। मैनू याद है
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਿਆ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਤੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, 60 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਵਾਲ ਉੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਉੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਘਰਵਾਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਫੈਦ ਸਪੀਅਲ ਹੰਬ ਪਰੇ ਜਸ ਕੀੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਹਦਾ ਸਾਨ ਕੀ, ਕਾਹਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਵੀ ਕਿਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤਪੱਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਹੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲ ਸੀ ਉਹ। ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਪੱਸਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਾਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ? 20 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਗਿਆ, ਤਲਾਬ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਬੌਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੂਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੌਲੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੋਈ।
खूआ भी सुक गया होया। कहन लगा किसी ने शरारत कर, फिर मन चाया काफी और लग गई ना, काफी समय तो मीह नहीं पिया, ये सारे तला खूहे सुक गए, चल दरिया च जलदा हाँ। दरिया तक पहुंच गया, जिस तरह तुहाडे चनाव चलदा पिया, बड़ा पानी है इधर ना होएगा, दरिया च ते होएगा ही नहीं। जदों चनाव दरिया ते गया ते वह भी सुक्का पिया है, दरिया भी सुक गया, प्यास बहुत ज्यादा लगी सी बेचारे ने। जदों तला च अपने दरिया च भी पानी नहीं मिलिया, आस टुट गई ते बेचारा बेहोश होके डिग पिया, जां बेहोश होके डिग पिया ते की देखदा सामने एक बजुर्ग लोगों नू मटकिया चो पानी पिला रहा है। कहन लगा ओहो काफी औड़ हो गई, सरकार ने पानी का प्रबंध कर दिया, उतो जाके पानी पी आंदा, आशा दी किरण जाग गई, हौसला आया, उठ पिया। फिर हौसला बहुत वड्डी चीज है, पानी ना लभदा चाहे सैंत मर जाता, सामने पानी लब्बा हौसला आ गया। कदे भी किसी का हौसला ना तोड़िया करो, कुछ ना करो, क्या करो, मैं तेरे नाल आ, चिंता ना कर, हौसला हो जाता। उठिया पानी वाले बजुर्ग कोल चला गया, वो लोगों को पानी पिला रहा। इस तपस्वी ने कहा मैनू भी पानी देना, उन्हें कहा दे प्याल दिंदा हाँ, फिर क्या मंगया, उन्हें दिता नहीं पानी। आखिर तपस्वी कहन लगा कि मैनू भी पानी पिला दे, कहिंदा मैं पानी पिलाने वास्ते ही बैठा, पर तू बोर्ड नहीं पढ़िया कि दो पैसे का एक गिलास मिलता, दो पैसे दे तेनू मैं पानी का गिलास दे दिंदा हाँ, भी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, क्यों, मैं ते संत हाँ, त्यागी हाँ। कहिंदे फिर मैं फ्री पानी नहीं पिला सकता, तेनू नहीं लगता कि एक संत तेरे पास सामने प्यासा मर जाए। कहिंदे मैनू बुरा तो लगता है, पर मेरी मजबूरी है, मैं किसी का नौकर हाँ, मैं पानी फ्री नहीं दे सकता, उन्होंने गिलास मिन के पाए होंगे, दो पैसे तुहानू देने पैने। कहिंदे पैसे नहीं मेरे पास, होर के कुछ दे दो संत जी, कहिंदे होर भी कुछ नहीं, कहिंदे जो है वही दे दो, कहिंदे मैं आ जा के रब दी भगती ही कीती है। कहिंदे चल भगती दे दे, किन्नी दवा, कहिंदे दो साल दी भगती दे दे, एक गिलास दे देना पानी। उन्हें प्यास बड़ी लगी सी, कहन लगा ठीक है मैं दो साल दी भगती दा फल तुहानू देता, एक गिलास पानी दे देवो। उन्होंने गिलास एक पानी देता, पी लिया, उस प्यास बुझी नहीं। कहिंदा एक गिलास हो दे देवो, कहिंदे दो साल दी भगती होर दे देवो। उन्होंने लेह दित्ती, उन्होंने फिर एक गिलास देता, फिर तीजा गिलास मंग लिया, उन्होंने भी कहा तीजा गिलास दे दिने, पर भगती देनी पेगी, हर गिलास बदले, करदे करदे नौ गिलास पानी पी गया। जद दसवां मंगया ते 20 साल दी भगती दा फल देन लई उन्नू तैयार हो गया, ते ओ बजुर्ग बोलिया कहिंदा देख 10 गिलास पानी बदले तो 20 साल दी भगती दा फल मैनू दे रहा है, जिदा पानी पींदिया तेरी सारी उम्र हो गई, जिदे पानी च तू ना जाने कितना नहाया तोया, ओदे लई भी कुछ रखिया ही, जिदी इतनी ऑक्सीजन तू खादी है ओदे लई भी कुछ रखिया ही, जिन तेरे लई तेरा सोना शरीर बना के भेजिया ओदे लई भी कुछ रखिया ही,
ਉਦੋਂ ਤਪਸਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਦਰ ਦਾਨ ਬਣਨਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਬ ਮਖੀਰਾ, ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਰਵੇ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਓਲ ਤੇ ਕੌਆ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਕਿਓਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਓਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਓਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਖਿੜਖਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰਵੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਦਿਓ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੇਲਣਾ ਹੋਏ ਵੇਲਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਨਸਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਸਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਛ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਵ ਮਖੀਰਾ, ਬੇਟੀਓ ਕਿਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਰਾਜਾ
सेवना की नहीं कहे रविदास चमारा जति ओछापति जन्म हमारा राजा राम की सेवना की नहीं क रविदास चमारा जाति होसा पाति होसा जात पहचान नु कहिंदे ने गुरु जी कहिंदे ने आई इंसान तेनु मालिक ने बड़ा महान बना के भेजिया पर दुनिया चा के तेरी संगत ठीक नहीं रही जिस करके जाति होसा आज तेरी पहचान बड़ी निकम्मी जी बन गई। वाकया असी रब रूप सा संगत ठीक ना होन करके साड़ी पहचान निकम्मी हो गई। ये भगवान रूप सी आज इंसान में नहीं कहिंदे इनू जदों भी किते गल चलदी है इंसान दी लोग कहते कि जानवर की गल कर रहे। दुनिया दे विच जितने चेतन जीव ने इन्हों की वंड महापुरशा ने तीन हिस्सों च की है जानवरां च इंसानां च ते देवतियां च। दुनिया दे विच सब तो ज्यादा जानवर ने जानवरां तो घट इंसान ते इंसानां तो घट देवते। जिहड़े देवते ने उन्हां च देवते ही ने ना इंसान ने ना जानवर ने। जानवरां च जानवर ही मिलणगे ना इंसान मिलणगे ना देवते। और इंसानां दे विच तिन्ने कैटागिरियां दे मिलणगे लोग इंसान भी जानवर भी देवते भी। जदों इंसान इंसानियत गुणां नूं भुल जांदा नशे करके माड़ियां हरकतां करदा चाहे परिवार दा ध्यान नहीं रखदा उहदी जदों किते गल चलदी है तो लोक कहिंदे किहड़े जानवर दी गल कर रहे। पर जेकर चंगे गुण रहन तो कहिंदे वाह ओ तां इंसान है कोई एवें नहीं बंदा है। जे होर चंगे गुण आ जाण कहिंदे बंदा कादा देवत है। सतगुरु रविदास जी कहिंदे इंसान ते तू है ही है वो कर्म ना करी जिहदे करके इंसान तो तू जानवर बने। असी वो कर्म नहीं करने कि असी इंसान तो जानवर बनी। सतगुरु जी कहिंदे आ तू मेरे उपदेशां दे नाल जुड़ जेकर तू मेरे उपदेशां नाल जुड़ जाएगा तू जानवर तो इंसाना तो देवता बन जाएंगे। असी बहुत सारे वेखते पे हाँ इंसाना तो देवते बने हुए ने जेडे नहीं बने उन्हें भी देवते बनने। असी हुण इंसाना तो जानवर नहीं बनना ये प्रण लेना असी इंसाना तो देवते बनना। यही गुरु जी सानू उपदेश दिंदे ने यही सत्संग दा सानू लाहा है। सारियां ही संगतां नू खास करके बटोर दियां संगतां नू अज दे दिन दी
बहुत बहुत वधाई। आखिर च बेनती है गुरु प्यारी सत्संग जीओ कि ये जेड़ा प्रोग्राम है जितना भी इनू तुसी जगत गिरी टीवी दे विच देख सकते हो, एक दो दिन तक दी सारा पा दिता जाएगा। जेड़ा कल का प्रोग्राम सी वो आ चुका है। इस कारण बेनती है कि असी सबना ने जितने भी प्रोग्राम ने आश्रम दे उन्नू देखन दे वास्ते जगत गिरी टीवी जेड़ा अपने अपने मोबाइलों पर सबसक्राइब जरूर कर लेना, ये जरूरी बेनती रहेगी। आओ हुण सारिया संगतां आरती नाल जुड़िए। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो योरसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो योरसा। नाम तेरा केसरो ले छटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बोला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बोला नाम तेरो चंदनो। गस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की ज्योत लगाई, नाम तेरे की ज्योत लगाई। बेयो यो जे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे अठारह सगल जुटारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार पो, तेरो किया तुझे क्या यार पो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। दस अठ अठ सठ चारे खानी, द
दस अठा अठ सठ चारे खानी ए है बरतन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तोहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे चलो हर सोही राशाड के करे आन की आस ते नर दो जक जाएंगे सत पाखे रविदास आसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गुरु महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी सिर्फ 510 मिनट तक श्री गुरु रविदास सभा बटोत द्वारा ये जो सालाना सत्संग करवाया गया है साधना शिविर करवाया गया है उसके लिए श्री गुरु रविदास सभा बटोत उनके सभी सेवादार प्रबंधक साथी बधाई के पात्र हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने पूरा प्रबंध किया है इसके बीच में बहुत सारे ऐसी सभाएं हैं जिनका योगदान रहा है अभी सम्मान उनको दिया जाएगा श्री गुरु रविदास बटोत सभा के द्वारा तो सादर आमंत्रित हैं सर्वप्रथम श्री प्रेमनाथ जी श्री प्रेमनाथ यादव जो यहाँ बटोत के सेवादार हैं श्रीमती पुष्पा देवी जो उनकी धर्मपत्नी है और श्रीमती पुष्पा देवी वाइफ ऑफ श्री चरणदास जी ये परिवार बटोत से ही हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं उन्होंने जमीन दी और आगे भी मुझे लगता है कि जो हमारी संगत को जगह चाहिए जो भी स्थान चाहिए वो तभी संभव हो पाएगा जब हम इन सभी का सहयोग ले पाएंगे तो मैं इनसे पठानकोट की ओर से निवेदन करती हूँ कि वे अपना जो भी सहयोग चाहिए यहाँ बटोत सभा में वैसे ये सभा इन्हीं की है इन्हीं के द्वारा चल रही है और इनके कारण ही आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान है हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि ये सेवा और सिमरन के साथ साथ ऐसा सहयोग भी
आगे भी देते रहेंगे। तो श्री प्रेम जी, उनकी धर्मपत्नी श्री श्रीमती पुष्पा देवी जी, इसके साथ साथ युवा संगठन के प्रधान श्री गुरु रविदास, युवा संगठन पठानकोट उनके प्रधान श्री जीवन जी, माता कलसा, महिला संगठन पठानकोट, सभी के आगे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। श्रीमती रानी देवी जिनके नाम बोले जा रहे हैं, कृपया वो मंच पर आ जाएं, हजूर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। श्री गुरु रविदास सभा आरसपुरा के प्रधान जामुख्य सेवादार जो भी पहुंचे हैं, श्री गुरु रविदास सभा विजयपुर, श्री गुरु रविदास सभा विजयपुर, इन सब के सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। श्री गुरु रविदास सभा अखनूर, एसएस ट्रस्ट सिकंदरपुर कोटे, उनके माननीय प्रधान या मुख्य सेवादार जो भी पहुंचे हैं, बटोर सभा के सेवादारों को सेवादार ये कह रहे हैं कि बताओ कि उन्होंने इसमें इतना सहयोग दिया है, चावल दाल ये वो सारा सहयोग इनका ही है। अलग अलग सभाओं ने मिलकर ये सारे कार्यक्रम को संपन्न किया है, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, सब सब इन्हीं का ही पुण्य है। सिकंदरपुर कोठे भी साथ ही हैं, और अभी माननीय श्री सीएल बनाल जी जो डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट के ट्रस्टी मेंबर हैं, वे भी सादर आमंत्रित हैं। श्री ठाकुर दास जी जो माननीय ट्रस्टी मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे सेवादार हैं, वे भी हजूर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। इनके साथ मिस्टर दानिश जो अपना व्यस्त समय से समय निकाल कर आए हैं, वे भी सादर आमंत्रित हैं। मिस्टर दानिश, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी वे भी हमारे बीच में हैं, वे भी हजूर महाराज जी से अपना आशीर्वाद लेंगे। श्री गुरु रविदास सभा विश्ना, इन्होंने भी आटा चावल सभी में योगदान डाला है, अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर तिल फूल जो भी दिया है बहुत अच्छी बात है, और आगे से और सहयोग करेंगे ऐसी उम्मीद है। श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर, श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर के जो भी मुख्य सेवादार पहुंचे हैं आशीर्वाद लेंगे। श्री गुरु रविदास सभा रामनगर, श्री गुरु रविदास सभा रामनगर, श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर, श्री गुरु रविदास सभा जगानू, इन सभाओं के जो भी सेवादार मुख्य सेवादार पहुंचे हैं कृपया करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री गुरु रविदास सभा चनैनी, श्री गुरु रविदास सभा जसमा, श्री गुरु रविदास सभा प्लोटा साहब, श्री गुरु रविदास सभा प्लोटा साहब और श्री गुरु रविदास सभा केसो, और इसके साथ साथ श्री मनोहर पाठी जी, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से गुरु घर में सेवा डाली है, श्री मनोहर लाल पाठी जी। श्री गुरु रविदास सभा केसो सभा के जो भी सेवादार पहुंचे हैं, उन्होंने भी 2 क्विंटल चावल दिए हैं। श्री गुरु रविदास सभा रामगढ़, श्री गुरु रविदास सभा रामगढ़ के जो मुख्य सेवादार हैं, श्री रामलाल जी उधमपुर तो, जिन्होंने लगातार लंगर की सेवा की है बनाने में, बहुत ही सहनशीलता के साथ
श्री रामलाल जी उधमपुर से, यहां श्री गुरु रविदास, हाँ आ रही वाली उनकी भी है ना, श्री रविंदर कुमार जी पठानकोट से, सेवादार श्री रविंदर कुमार जी, श्री अश्विनी कुमार जी जो टेंट की सेवा, साउंड की सेवा, जिन्होंने चावल, प्लेटें, मैट्रेस, कैटरिंग बहुत सारी सेवाएं दी हैं, और मैं देख रही थी खुद भी एक सेवादार के रूप में कार्य कर रहे थे, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्री परशुराम जी जो पूरे मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज, जिनका लगातार सहयोग रहा है और बनता भी है, क्योंकि ये डेरा स्वामी जगतगिरि ट्रस्ट के ट्रस्टी मेंबर हैं, उनको भी है। श्री नत्थाराम जी, श्री नत्थाराम जी जो बहुत ही बढ़िया सेवा पठानकोट में हर जगह निभाते हैं, आशीर्वाद लेंगे। सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार गुरमीत सिंह जी अगर यहाँ पहुँचे हों तो कृपया वे भी मंच पर आएंगे, उन्होंने भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाली है, 2007 से ये सेवा दे रहे हैं। सरदार मास्टर जनक सिंह जी, मास्टर जनक सिंह जी वे भी हजूर महाराज जी से अपना आशीर्वाद लेंगे। प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा बटोत, वे भी मंच पर आकर हजूर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा बटोत, श्री जगवीर जी डीडीसी काउंसलर बटोत, माननीय श्री जगवीर जी डीडीसी काउंसलर बटोत, आ रही इन्होंने बाथरूमों की सेवा शुरू में की थी और वहीं से इन्होंने इनकी सेवाएं शुरू हो जाते हैं। श्री जगवीर सिंह जी, श्री राजेश्वर सिंह बीडीसी चेयरमैन, श्री राजेश्वर सिंह जी बीडीसी चेयरमैन, वे भी मंच पर आकर अपना आशीर्वाद लेंगे। जगतगिरि टीवी की पूरी टीम जिनके कारण ये कार्यक्रम देश विदेश में पहुंच पा रहा है, और आप सभी से निवेदन है कि जगतगिरि टीवी यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। इनकी पूरी टीम मंच पर आएगी और श्री गुरु रविदास सभा बटोत के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री गुरु रविदास सभा महिला विंग की प्रेसिडेंट श्रीमती अमरी देवी जी, वे भी सादर आमंत्रित हैं। जितेंद्र जी, श्री जितेंद्र जी जो पठानकोट से यूट्यूब चैनल टीम के साथ हैं, वे भी कृपया मंच पर आ जाएं।